हम जब भी संत महात्मा के सानिध्य में जाते हैं तो हमें सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। आज पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की याद में समाज सेवा का यह कार्य किया जा रहा है जो कि बहुत सराहनीय है। यह संबोधन डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में रविवार को देश विदेश में निर्धन लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए जाने के कार्यक्रम के दौरान सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने किया। इस मौके पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों में लगा रहा है। यहां के सेवादारों का टीम वर्क कमाल का है, चाहे सफाई अभियान हो, रक्तदान हो, पौधारोपण हो, ऐसे अनेकों सेवा कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा की सेवा के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान सांसद दुग्गल ने डेरा सच्चा सौदा द्वारा हरिद्वार में चलाए गए सफाई महाअभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां के लोग आज भी डेरा सच्चा सौदा का अदब से नाम लेते हैं। डेरा प्रेमियों ने गंगा घाट को चंद घंटों में चकाचक कर दिया था। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत शाह सतनाम जी धाम सिरसा से की गई। इसके पश्चात सिरसा जोन सहित देश के विभिन्न राज्यों में इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में सात संगत द्वारा 1,00,000 से अधिक लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए, जिनमें कोटी, कंबल, शाल, टोपी, स्वेटर, जूते, जुराब इत्यादि शामिल रहे। सिरसा जोन में 700 लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। सिरसा जोन के कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल व युवा भाजपा नेता अमन अरोड़ा ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए विधिवत शुरुआत की। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर हरियाणा यूथ 45 मेंबर राकेश बजाज इंसा, रामपाल इंसा व शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस बारे में 45 मेंबर राकेश बजाज इंसा ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज पावन याद में भलाई कार्य को समर्पित इस कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र बांटे गए। आप सब लोग यहाँ पर ये पूरी टीम जो है लगी है, मैं देख रही हूँ, और जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी काम के लिए प्रेरित किया जाता है, संदेश आता है, तो आप पूरे मनोभाव के साथ उस काम को करने पे लग जाते हैं। और यही हमारी सबकी ताकत है कि हम सब मिलकर किसी काम का बीड़ा उठाएं तो उसको पूरा करके दिखाएं। तो मैं एक अपनी तरफ से भी आप लोगों को आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सर्वेक्षण होता है कि कौन सा शहर सबसे सुंदर है। आप लोगों की कोई मिसाल नहीं इस चीज में, सफाई के मामले में आप लोगों की कोई मिसाल नहीं। जहां का बीड़ा आप उठा लेते हैं तो उस जगह को बिल्कुल साफ करते हैं। पिछले दिनों में मुझे हरिद्वार में, पिछले साल की बात है, मुझे हरिद्वार में जाने का मौका मिला तो वहां पर मुझे बहुत से लोग मिले और उन्होंने कहा कि जी पूरी टीम जो है वो किस तरह से आई और उन्होंने 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो पूरे हरिद्वार को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, सिरसा लोकसभा की सांसद होने के नाते, कि अभी पिछले दिनों ही जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर को दूसरी बार सबसे सुंदर जो है वो सिटी घोषित किया गया। तो मेरे को मन में मलाल रहता है कि हम लोग बाहर जाकर इतना सुंदर सफाई करते हैं तो हमारा सिरसा तो चमकता रहना चाहिए, यहाँ पर तो हमें रेगुलर जो है वो सफाई का अभियान चलाते रहना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से जो है ये विनती है कि आप सब लोग जो है वो मिलकर हरियाणा में तो कम से कम जो है वो अपने सिरसा जिले को ऐसा चमका के रखें कि यहाँ पर हमें बार बार भी अभियान करना पड़े तो हम अभियान करें, लेकिन इसको सबसे सुंदर ये प्रण कर लें कि अब की अगली बार के सर्वेक्षण में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर नहीं बल्कि सिरसा जिला जो है वो सबसे साफ सुथरा जिला जो है हमारा होगा। और इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से आपको जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप प्रशासन पूरा सहयोग करेगा, लेकिन हमें ये प्रण करना है कि हमें अपने सिरसा जिले को अगली बार जो है वो इंदौर की बजाय पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे साफ सुथरा जिला अगर कोई हो तो वो सिरसा हो। मेरे साथ करते हुए सारे के सारे प्रण, तो आप ये बताओ कि हम, हमारा सब कुछ यहाँ सिरसा से शुरू होता है और सिरसा की टीम और सिरसा के लोग बाकी सब लोगों की टीम को लेकर जगह जगह पर हम कर सकते हैं। तो जो हमारा बेस है, जो हमारा जिसको बोलते हैं कि हमारा कैंप ऐसा जो है, हमारा सबसे जो बेसिक जो हमारा अगर जो सिटी है तो वो सिरसा है, तो इसको साफ सुथरा करना तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो जो भी यहाँ से आज ये किट लेकर जा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें जो भाई यहाँ पर आए हैं, जो आज ये सर्दी की किट हम यहाँ पर जो है आप लोगों के माध्यम से जो इनको वितरित कर रहे हैं,
तो इनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने घरों में भी अपने आसपास भी जितनी सफाई रखें। देखो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद झाड़ू उठा ली थी, इसीलिए उठाई उन्होंने कि हमारा आसपास बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, और अगर जितने आप साफ सुथरे रहेंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे।